हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं रेलवे एग्जाम 2018-19 के लिए। मैं हूँ प्रहला सारण और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अभी मैंने नया स्टार्ट किया है तो आप लोगों के सहयोग की सख्त ज़रूरत है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले लेसन हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइज, आपका सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है मैं बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये रेलवे एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है वो हम करेंगे। आपका फ़ायदा ये कि आपको यहाँ पे 5,000 भारत के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, 2,000 जियोग्राफी के, 2,000 सामान्य विज्ञान के और 2,000 जो संविधान है और जो राजनीति है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन की वन लाइनर सीरीज रहेगी। और इन सभी की PDF भी है वो आपको फ्री मिल जाएगी। ओके गाइस, तो हम यहाँ सभी जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। आज से हम स्टार्ट करेंगे तो आप टोटल देख सकते हैं 7, 9, 2, 11, यानी टोटल 11,000 क्वेश्चन है वो वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। और ये अगर 11,000 क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो रेलवे एग्जाम में इनसे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। तो सभी की आपको PDF मिलेगी। ओके गाइज, और मैं दिखा देता हूँ कि हमारे क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइज, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। तो मरुस्थल की राजधानी किसको कहा जाता है, तो जैसलमेर को कहा जाता है और जैसलमेर है वो राजस्थान में है। दूसरा क्वेश्चन है किरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच का पठार है वो कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है, तो सभी द्वीप है परवाल उदम द्वीप है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताता जाऊँगा। इनसे रिलेटेड एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। देखिए ये परवाल द्वीप जो है, ये हमारा जो लक्षद्वीप जो है ये इसी का बना हुआ है। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप है किस प्रकार का द्वीप है, तो परवाल द्वीप है आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो अरब सागर में जो भी स्थित है वो सारे द्वीप किस प्रकार के होंगे, परवाल द्वीप के प्रकार के होंगे। तो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइए, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे मैं बताता जाऊंगा कि किस तरह से और तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मेकान का पठार है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो मेकान का पठार है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर है वो किसका नाम है, रांची का जो पठार है उसको किस नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर के पठार से जाना जाता है। ओके गाइज, अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड, इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिण भारत का सबसे अंतिम बिंदु है, दक्षिणी क्षेत्र में जो सबसे अंतिम बिंदु है भारत का वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। तो ये भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चार राज्य हैं ये चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं यानी टच करते हैं। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, एनाईमुड़ी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम है ग्रीक भाषा में किया गया था। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था, तो जम्बू द्वीप का अंग था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है, तो ये 82.5 पूछा जाता है और 82°36' भी होता है, दोनों याद रखिए। मैं बता देता हूँ आपको, एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये जो है ये 82 डिग्री है और इसे आगे वाला जो होता है इसे बोला जाता है मिनट, तो इससे बोलेंगे 82°36' पूर्वी देशांतर। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ एक और नोट करनी है आपको, आपसे आंसर में ये भी मिल सकता है 82 सही 1/2, तो ये अगर ये मिलता है तो ये भी आपका राइट होगा। ठीक है, 82 सही 1/2 यानी 82.5 बोल सकते हैं इसको, पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और एक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भारतीय मानक समय देशांतर जो रेखा है वो कौन से शहर से गुजरती है, तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ये भी याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो बेरेन और नारकोंडम के बीच में आदम का पुल स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है, तो सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है, राजस्थान में, तो राजस्थान का रेगिस्तान है उसे थार भूमि कहा जाता है। कला है कि भारत का कौन सा राज्य है सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश है वो सर्वाधिक सीमाओं को प्रवेश करने वाला राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा की सीमाएं हैं वो किस राज्य के साथ लगती है, तो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। अगला है कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, आप सभी ने सुना होगा काला पानी की सजा।
ठीक है। तो वही क्षेत्र की बात करें, कौन सा क्षेत्र स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप में जाना जाता था। अगला है कि झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पंजाल सुरंग जो है वो किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने की थी? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाए, किसने की थी? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने की थी। इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो इसने ये सीमा निर्धारित की थी, जिस अंग्रेज अधिकारी ने निर्धारित की थी, उसका नाम था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो इसी वजह से सीमा का नाम क्या पड़ गया, रेडक्लिफ पड़ गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य है वो चीन से, नेपाल से और भूटान की सीमाओं से स्पर्श करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन देशों की सीमाओं से स्पर्श करता है, टच करता है? तो राइट आंसर हो गया सिक्किम। अगला है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है कि डंकन के पास किसके मध्य स्थित है? डंकन के पास है वो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? इंदिरा कोल कहलाता है। यानी भारत का सबसे उत्तर में, ये उत्तर जो स्थित है, इस क्षेत्र में जो स्थित है उसको नाम कहते हैं इंदिरा कोल, और सबसे दक्षिण में स्थित है उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो इंदिरा कोल और इंदिरा पॉइंट दोनों याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है, कौन करता है? आदम का पुल है वो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गंगोत्री क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिक स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर है, ठीक है। अंटार्कटिक है ये एक महाद्वीप है, और ऐसा महाद्वीप जिसके बारे में आपने सुना होगा जहाँ कोई नहीं रहता, पूरी ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो वहाँ क्या करते हैं, अलग अलग देश अपना जो भी प्रशिक्षण करना होता है, वैज्ञानिक से संबंधित जो प्रशिक्षण होता है, अनुसंधान केंद्र जो होता है वहाँ स्थापित करते हैं। और भारत ने जो स्थापित किया वहाँ पर उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, क्षेत्रफल जैसे भारत से तीन बड़े राज्यों का क्रम में नाम क्या होगा? तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे बड़ा जो है वो है यूपी, उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है राजस्थान। अगला है कि आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी है वो है कुर्नूल। और अगला है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सेंडल पीक है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलोर से कन्याकुमारी तक की घाटी का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि डक्कन का पठार भारत के किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में है वो डक्कन का पठार स्थित है, ठीक है। ये पठार जो है मैं आपको एक दिन मैप के द्वारा समझा दूंगा ताकि आपको आसानी से याद रह सके कि मालाबार तट कहाँ है, डक्कन का पठार है कहाँ पे, कौन कौन से राज्यों में आता है। तो आप फुल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जो लेसन जब मैप के द्वारा पढ़ाएं तो आप लोग वो वीडियोज़ देख सकें। अगला क्वेश्चन है कि धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है कि अनाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान में स्थित है, या सर्वाधिक है वो राजस्थान में है, कुछ इसका हिस्सा है गुजरात में भी है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो सैनकोशी जो नदी है वो सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो टिथिस नामक समुद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी, और जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि इसका रेडक्लिफ नाम क्यों पड़ा था। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर स्थित है? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर है वो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पम्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है।
अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पतन कौन सा है? पतन यानी बंदरगाह कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर है वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ एक चीज नोट कीजिए आप कि ये पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है, जो पतन है, वो भारत का सबसे बड़ा नहीं है, केंद्र शासित प्रदेशों का बड़ा है। और केंद्र शासित प्रदेश है भारत में कितने हैं? 7 हैं, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि कोलंबा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? बम्बई में स्थित है। और डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य कब निर्धारित की गई थी? 1896 में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा कब स्थापित की गई थी? 1896 में। ये भी एक क्वेश्चन अलग तरीके से किस तरह से पूछा जाएगा कि डुरंड रेखा है वो किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का नाम क्या है? तो डुरंड रेखा नाम है। ओके गाइज, तो इस लेसन में ये तो पहला लेसन हमारा एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिस्कस किया है। और इसके अलावा जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, हम जो आपके रेलवे के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो सीरीज रहेगी 11,000 से भी ज़्यादा वल्लाने क्वेश्चन है, वो सारे अपलोड करेंगे। पार्ट वाइज हिस्ट्री के 5,000, भूगोल के 2,000, सामान्य विज्ञान के 2,000, पॉलिटिक के 2,000, इसके अलावा और भी बहुत सारी करंट अफेयर के लेसन टेस्ट भी लेंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों के सहयोग की बहुत सख्त जरूरत है। इन सभी की PDF जो है वो भी आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इनकी सब की है PDF भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। ओके गाइज, होप आपको पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगे, सीरियसली आपको लगे कि इस सीरीज से, इन 11,000 क्वेश्चनों से आपको फायदा हो सकता है, आपके एग्जाम में फायदा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रेलवे के एग्जाम में फायदा हो, रेलवे के एग्जाम में फायदा होगा ही। इसके अलावा आप चाहे कौन सा भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, सब एग्जाम के लिए क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू।